हेलो गाइज, मैं हूं रजनीश कुमार और आर्किट टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए बैनर किस प्रकार से बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल आसान तरीके से। तो यह है यूट्यूब मास्टर के वीडियो नंबर 11 और इसके पहले इस चैनल के प्ले लिस्ट पर आपको 10 वीडियो मिल जाएगा, जो कि यूट्यूब मास्टर के नेम से अपलोड कर दिया गया है। जाकर आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि YouTube का बैनर बनाना क्यों ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं, YouTube चैनल के लिए बैनर बनाना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी आपके सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, अगर आपके चैनल पर जाएंगे और आपके जो बैनर देखेंगे, अगर आपके अपने चैनल पर अगर बैनर नहीं बनाए होंगे तो जो भी आपके सब्सक्राइबर हैं उनको उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आप अपने चैनल के लिए बैनर बना लें, जिससे आपका जो चैनल है उसका लुक बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आपके सब्सक्राइबर भी आपसे कनेक्ट रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम आपको सबसे पहले हम अपने YouTube का बैनर दिखा देते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करें YouTube पर और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले पर क्लिक करना है हमें अपने YouTube का लोगो पर, जो भी आपका जीमेल अकाउंट का लोगो है इस पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर योर चैनल पर क्लिक और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारा YouTube चैनल का बैनर इस प्रकार से है। तो हम फिर से यहाँ पर आपको बता देते हैं आप बैनर किस प्रकार से बनाइएगा और इसे किस प्रकार से यहाँ पर सेट कीजिएगा। तो चलिए बैनर को बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको पिक्सेल ऐप को ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ओके कीजिएगा तो जब भी आप पहले से बैनर बनाए हैं या थंबनेल बनाए हैं तो यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं और इसके यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, इसके न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं ओके। और इसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर इमेज साइज पर क्लिक, इसके बाद यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर यूट्यूब चैनल बैनर पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर ये जो फोर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक और इसके बाद यहाँ पर कलर पर क्लिक और इसके बाद यहाँ से हम कोई भी एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर ग्रीन कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट किए हैं और इसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर और इसके बाद यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर और इसके बाद यहाँ पर न्यू टेक्स्ट पर दो बार क्लिक और इसके बाद यहाँ पर आपको डिलीट कर देना है, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद जो भी आपको लिखना है यहाँ पर लिख देंगे हम। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आरके टेक्निकल नॉलेज और इसके बाद यहाँ पर ओके। और इसके बाद यहाँ पर हम इसका बैकग्राउंड यहाँ पर दे देते हैं, सॉरी यहाँ पर हम इसका कलर दे देते हैं, कलर यहाँ पर इसका ब्लैक और इसके बाद यहाँ पर टिक कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर इसके यहाँ से स्ट्रोक दे देंगे, स्ट्रोक दे देंगे यहाँ पर येल्लो। तो यहाँ पर देख सकते हैं येल्लो और इसके बाद यहाँ पर इसको टिक कर देंगे। और इसके यहाँ से ए बी फॉन्ट साइज यहाँ पर ले लेते हैं, जो भी आपको लेना है तो यहाँ पर ले लिए। और इसके बाद यहाँ पर ओके और इसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। और इसके बाद यहाँ से हम यहाँ पर जाते हैं थ्री डी टेक्स्ट पर, यहाँ पर क्लिक और इसके इसको इनेबल कर देना है। और इसके बाद यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर आना है और इसके बाद यहाँ से थोड़ा इसको कम कर देना है, यहाँ पर आपको थ्री कर देना है, यहाँ पर देख सकते हैं थ्री। और इसके बाद यहाँ पर टिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर कहीं पर साइड में क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे प्लस आइकन पर और यहाँ पर दो बार क्लिक और इसके बाद यहाँ पर डिलीट कर देंगे। और डिलीट करने के बाद यहाँ पर लिख देते हैं टेक्निकल, यहाँ पर देख सकते हैं टेक्निकल टिप्स एंड ट्रिक्स और इसके बाद यहाँ पर ओके ओके कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर इसको साइड में यहाँ पर ला देना है और ये इसके बाद यहाँ से हम इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। और छोटा करने के बाद यहाँ पर हम इसका भी फॉन्ट साइज ले लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ए बी फॉन्ट। तो यहाँ पर इसको इसको ये ले लेते हैं, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, सॉरी इस पर क्लिक कर देते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर ओके और इसके बाद इसको हम कलर दे देते हैं, यहाँ पर कलर इधर है साइड में, यहाँ पर कलर पर क्लिक और इसके यहाँ पर रेड और यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर टिक कर देंगे। और टिक करने के बाद यहाँ पर स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर इसको इनेबल करेंगे और यहाँ पर वाइट दे देते हैं स्ट्रोक। और इसके बाद यहाँ पर हम टिक कर देते हैं और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर हम ये थ्री वाला ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे नीचे में जो है और इंपोर्ट करके यहाँ पर हम लैपटॉप का पिक्चर ला देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं लैपटॉप यहाँ पर है और इसके यहाँ पर टिक कर देंगे और इसका इसको छोटा कर देंगे। और छोटा करने के बाद यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसे
फिट कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर फिर से इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इस वाला ये जो फ़ोन का चित्र, इस पर क्लिक, और इसके बाद यहाँ पर टिक कर देंगे। और ये फ़ोन का जो पिक्चर आ जाएगा, तो इसके बाद इसको हम छोटा कर देंगे। और छोटा करने के बाद यहाँ से हम इसको यहाँ पर साइड में यहाँ पर लगा देंगे। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर ए वाले पर क्लिक, और प्लस वाले आइकन पर क्लिक, और यहाँ पर दो बार क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर हम अपना नेम को लिख देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर ओके, और यहाँ पर इसका भी हम, इसका भी यहाँ पर ए भी फॉन्ट साइज दे देते हैं यहाँ पर। और इसको यहाँ पर कर देते हैं हम इस वाले पर क्लिक, और इसके बाद यहाँ पर ओके। और इसका हम कलर दे देते हैं, यहाँ से कलर पर आएंगे, इधर है कलर, इधर है। और यहाँ पर इसको ब्लू दे देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू कलर। और इसके बाद यहाँ पर आ गया है, देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम इसको सेव कर देते हैं, और यहाँ पर सेव टू गैलरी, और ये सेव हो गया। और इसके बाद हम इसको यहाँ पर रिसेंट बटन से ही क्लिक करेंगे, या बीच वाले बटन से कट करेंगे। और यहाँ पर इसके बाद क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं। डेटा ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, तो हमारा क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया। पर इस प्रकार से क्रोम ओपन हो गया आपका। यहाँ पर यूट्यूब पर क्लिक करना है आपको, और इसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है यहाँ पर, और इसके बाद डेस्कटॉप साइट पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपका ये जो यूट्यूब है क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर वेट कर लेते हैं, और वेट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपका यूट्यूब चैनल का लोगो आ जाएगा, और इसके बाद जो भी आपका ईमेल का लोगो या यूट्यूब का लोगो यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद इस पर आपको क्लिक कर देना है, और इसके बाद योर चैनल पर क्लिक, और योर चैनल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो भी है यहाँ पर चैनल आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करना है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर दिख जाएगा। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस पर आपको क्लिक करना है, और इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका जो YT स्टूडियो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं studio.youtube.com। थोड़ा वेट कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारा जो स्टूडियो है ओपन हो गया है। और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा आपको जूम करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर सबसे नीचे में दो नंबर है, इस पर क्लिक रहेगा। और इसके बाद यहाँ पर ब्रांडिंग का ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं ब्रांडिंग। तो आपको ब्रांडिंग पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा बैनर इमेज। और इसके बाद यहाँ पर चेंज का ऑप्शन आ जाएगा, और रिमूव का, यहाँ पर चेंज पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर ब्राउज, सॉरी यहाँ पर आ जाते हैं, आपको दिखा देते हैं फिर से। चेंज पर क्लिक, और इसके बाद यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर जो भी आप थंबनेल बनाए इस पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से। और इसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपका जो भी बैनर है आ जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं थोड़ा बड़ा करके, व्यूएबल ऑन डेस्कटॉप। इस पर आपको क्लिक करना है, यानी ये जो आपका बैनर है डेस्कटॉप साइड में भी शो करेगा, तो इतना बड़ा आ जाएगा। देख सकते हैं आपका बैनर जो है थोड़ा बड़ा बन गया है, तो आपको इसको एडजस्ट करना है। तो इसके लिए फिर से हम आएंगे यहाँ पर रिसेंट बटन पर, और इसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा जो भी है बैनर, इसको थोड़ा छोटा करने के लिए यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो इस प्रकार से सभी को एडजस्ट करना है, और एडजस्ट करने के बाद हम फिर से इसको सेव करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सेव, और सेव करने के बाद सेव टू गैलरी। और इसके बाद फिर से हम क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर हम क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं इस वाले ऑप्शन पर, और इसके बाद यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम इसको यहाँ पर चेंज जो है इसको क्लिक करेंगे एक बार फिर से। और चेंज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम यहाँ पर डेटा ओपन रखेंगे, और इसके बाद यहाँ पर चेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक, और इसके बाद यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बैनर पर फिर से क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, आप छोटा करके दिखा देते हैं, व्यूएबल ऑन डेस्कटॉप पर क्लिक। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो भी बैनर है यहाँ पर सही तरह से फिट हो गया है। और इसके बाद यहाँ पर आपको सेव, यहाँ पर डन है, डन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डन। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके यहाँ पर सेव हो जाएगा बैनर। यहाँ पर देख सकते हैं सेव हो चुका है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
और इसके बाद हम इसको कट कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर कट नहीं करना है आपको, और इसके बाद यहाँ पर जब सेट हो जाएगा तो इसके बाद आपको यहाँ पर पब्लिक पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं पब्लिश पब्लिश कर देना है, और जब पब्लिश हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर कट करना है। यहाँ पर हम यूट्यूब को ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद यहाँ पर अपने लोगो पर क्लिक, और इसके बाद यहाँ पर योर चैनल, और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो बैनर है लग चुका है यहाँ पर, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो भी आपको बताया हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, आपका दिन शुभ।